मैं तो ये कहूंगा जिंदगी है एक न बुझने वाली प्यास, समझी मतलब इसका? An unquenchable thirst. Right. वो घड़ी आ रही है जब मुझको इस जमाने से है सफर करना. ये गाना मैं करीब 40 साल पहले गाया था, अब तो उम्र हो गई है, अगर गलती हो जाए तो बच्चा समझ के माफ कर दीजिए. धीरे धीरे हारे बादल, धीरे हारे बादल, धीरे धीरे जा. मेरा बुलबुल सो रहा है शोरगुल से. मेरी बीवी बड़ी सुखी रहती, बड़े खुश रहती. ये बड़ी हैप्पी फैमिली थी. 50वां साल होने वाला था, 50वां साल होने के लिए 4 दिन रह गए, वो बीमार हो गई. और बीमार हो गई और मैंने पार्टी किया था कि 100 पीपल विल कम, सब लोग डाइन करें एक साथ, उस दिन हम सेलिब्रेट करेंगे. और 4 दिन पहले बेचारी चल दी. उसने बहुत जिंदा रहने की कोशिश की, सबको बोला कि मेरे को जिंदा कर दो, मैं वो पार्टी अटेंड करके तब मरूंगी. अपने हाथ में तो कुछ है ही नहीं. एक बात बताइए, बॉम्बे टॉकीज क्यों बंद हो गया? देखो रेशमा, दुनिया में हर चीज का खात्मा निश्चित है. इंसान पैदा होता है चला जाता है, उस तरह इंस्टीट्यूट भी पैदा होते चले जाते हैं. बॉम्बे टॉकीज की शुरुआत हुई थी 1933 साल में और बंद हो गई 1953 में. और इत्तेफाक की बात यह है, इत्तेफाक के अफसोस की बात है, मैं तो प्रोड्यूसर इंचार्ज था. हाउ सैड. यस, इट इज सैड इंडीड. मगर बॉम्बे टॉकीज मरा कहां है? क्या मतलब, कहाँ है बॉम्बे टॉकीज? आप ही तो हैं बॉम्बे टॉकीज. ओह नहीं, मैं नहीं हूँ बॉम्बे टॉकीज. मैं तुम्हें बॉम्बे टॉकीज दिखाता हूँ, आओ मेरे साथ. जी. ये है बॉम्बे टॉकीज. हिमांशु राय जी बॉम्बे टॉकीज के निर्माता. दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज बातें होंगी अपने जमाने के जाने माने अदाकार अशोक कुमार की. अशोक कुमार का जन्म 13 अक्टूबर सन 1911 में भागलपुर के एक वकील कुंजीलाल गांगुली के घर हुआ. बचपन का उनका नाम था कुंजीलाल गांगुली. गौरी देवी और कुंजी लाल के 4 बच्चे थे. इनमें सबसे बड़े थे कुमद लाल. जी हाँ, अशोक कुमार यानी दादा मुनि. उनसे 2 साल छोटी थी उनकी बहन सती देवी. अशोक कुमार से 14 साल छोटे थे कल्याण गांगुली, बाद में जिनका स्क्रीन नेम यानी रुपहले पर्दे का नाम था अनूप कुमार. 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे आभास कुमार, जो बाद में किशोर कुमार नाम से विख्यात हुए. बाबू समझो इशारे और पुकारे बम 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 यहां चलती. अशोक कुमार की छोटी बहन सती देवी की शादी जाने माने निर्माता निर्देशक शशधर मुखर्जी से हुई थी. शशधर मुखर्जी ने बाद में ज्ञान मुखर्जी, राय बहादुर चुन्नीलाल और अशोक कुमार के साथ मिलकर फिल्मी स्थान स्टूडियो का निर्माण किया. अशोक कुमार भागलपुर में जन्मे थे. बाद की पढ़ाई उन्होंने कलकत्ता की प्रेसिडेंसी कॉलेज में की. हालांकि अपने पिता की तरह ही अशोक कुमार भी लॉ के छात्र थे, पर उनके मन में सिने जगत में जाकर तकनीशियन बनने की तमन्ना थी. ऐसे में काम आए उनके बहनोई, जो हिमांशु राय की फिल्म कंपनी बॉम्बे टॉकीज में कार्यरत थे. उन्होंने अशोक कुमार को बतौर तकनीशियन बॉम्बे टॉकीज में रखवा लिया. ये सन 1930 के आसपास की बात है. बॉम्बे टॉकीज उस जमाने का बहुत ही बड़ा और जाना माना नाम था.
अशोक कुमार लैब असिस्टेंट के अपने काम में खुश थे और रंग गए थे। ऐसे में जीवन नया फिल्म का निर्माण चल रहा था। ये सन 1936 के आसपास की बात है। निर्माण के दौरान फिल्म के हीरो नजमुल हसन बड़े ही नाटकीय ढंग से फिल्म अधूरी छोड़ फिल्म की नायिका के साथ भाग खड़े हुए थे। किसी तरह ये फिल्म फिर से बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। देविका रानी के साथ नायक के रूप में पेश किए गए बॉम्बे टॉकीज़ के लैब असिस्टेंट कुमुदलाल गांगुली, इसी फिल्म के दरमियान इनका नाम अशोक कुमार हुआ। वो नानोकर करते रहे पर अनिच्छा से ही सही वो बन गए इस फिल्म के हीरो। फिल्म जीवन नया के साथ ही अशोक कुमार की एक्टिंग की गाड़ी भी शुरू हो गई। रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। जीवन नया के बाद इसी साल यानी 1936 में एक और फिल्म देविका रानी और अशोक कुमार को लेकर बनी अछूत कन्या। सामाजिक विषय पर बनी ये फिल्म भी काफ़ी चली और देविका रानी तथा अशोक कुमार एक हिट जोड़ी के रूप में विख्यात हो गए। खेत की मूली बाग को आम, मैं तो हूं चोराक। बाद में देविका रानी और अशोक कुमार अभिनीत कई फिल्में आई। 1936 में ही जन्मभूमि, 1937 में इज्जत और सावित्री, 1938 में वचन और मुंशी प्रेमचंद की कृति पर आधारित फिल्म निर्मला। देविका रानी और अशोक कुमार अभिनीत आखिरी फिल्म थी अनजान, जो बनी थी 1941 में। ये फिल्म कुछ खास नहीं चली थी। परिणाम स्वरूप इसके बाद इन दोनों की एक साथ कोई फिल्म नहीं आई। इससे अशोक कुमार एक तरह से लाभान्वित ही हुए। उन्हें अब अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल गया था। अब तक वो देविका रानी के प्रभा मंडल के कारण कुछ छिपे हुए से लगते थे। उस जमाने की बड़ी ही खूबसूरत अदाकारा थी लीला चिटनेस, जो एक जानी मानी मॉडल भी थी। बाद वाली पीढ़ी ने लीला चिटनेस को रोती हुई मजबूर माँ के रूप में ही देखा हुआ है। उन्हें जानकर ज़रूर आश्चर्य हो सकता है कि लीला चिटनेस कभी खूबसूरत मॉडल भी रह चुकी हैं। खैर, तो लीला चिटनेस के साथ अशोक कुमार की जोड़ी बन गई। हालांकि लीला चिटनेस भी उम्र और रुतबे में अशोक कुमार से बड़ी थी, पर इनकी जोड़ी काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। अशोक कुमार अभिनीत एक के बाद एक कुछ फिल्में आईं, उनमें उल्लेखनीय है 1939 में आई फिल्म कंगन, 1940 में बंधन और आज़ाद। इन फिल्मों की सफलता ने अशोक कुमार को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा दिया। 1941 में लीला चिटनेस के साथ आई फिल्म झूला की सफलता ने अशोक कुमार को फिल्म की सफलता की गारंटी के रूप में देखा जाने लगा। उन्नीस सौ तैतालीस से 1950 का दौर अशोक कुमार के उरूस का दौर कहा जा सकता है। 1943 की ज्ञान मुखर्जी की फिल्म किस्मत ने सफलता का नया इतिहास रच डाला। इस फिल्म में अशोक कुमार ने विलेलिश रोल किया था। ये हिंदुस्तानी फिल्मों में पहली बार हो रहा था। फिल्म की कामयाबी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस फिल्म ने 1 करोड़ से ज़्यादा कमाई की थी। दोस्तों, ये वो दौर था जब 1.5 लाख में अच्छी खासी फिल्म बन जाया करती थी। धीरे धीरे आरे बादल, धीरे आरे बादल। सही दौर में अशोक कुमार इस दौर के सुपरस्टार बन गए थे। इस दौर की उनकी चर्चित फिल्में थीं 1944 में चल चल रे नौजवान, 1946 में शिकारी, 1947 में साजन, 1949 में महल, 1950 में संग्राम और समाधि। गोरे गोरे ओ बाके छोरे, कभी मेरी गली आया करो। दोस्तों,
अशोक कुमार ने बॉम्बे टॉकीज के लिए इस फिल्म कंपनी के बंद होने के पूर्व कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों का निर्माण भी किया है। 1947 में आई फिल्म नीलकमल, राज कपूर की बतौर नायक, ये पहली फिल्म थी। 1948 में आई फिल्म जिद्दी, जो देवानंद और प्राण साहब के करियर की एक मील का पत्थर फिल्म थी। 1949 में आई गूढ़ फिल्म महल, जिसमें उन्होंने नायक की भूमिका की थी। उनकी नायिका का रोल विनेस ऑफ द इंडियन स्क्रीन मधुबाला ने निभाया था। दोस्तों, अशोक कुमार ने नलिनी जयवंत और मीना कुमारी के साथ बाद की कुछ एक फिल्मों में काम किया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं ये गाना। बेदरार दिल, अरे तू गाए जा। दोस्तों, फेल्ट हैट लगाए काले चश्मे के साथ उन्होंने कुछ फिल्मों में विलेन के रोल भी किए हैं और कुछ एक फिल्मों में फर्ज पाबंद पुलिस ऑफिसर की भूमिकाएं भी की हैं। कुछ ऐसा ही रोल था उनका ज्वेल थीफ में। फोटो में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वो ही बात तो दो। 1960 के बाद अशोक कुमार ने चोला बदलते हुए कैरेक्टर एक्टर के रूप में काम करना शुरू किया। ये 1960 के आसपास की बात है। वो फिल्म कानून में जज बने थे। 1963 की फिल्म बंदनी में उमर दराज स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका में वो नजर आए थे। 1964 में आई फिल्म चित्रलेखा में ढलती उम्र के धर्मगुरु के रूप में भी वो दिखाई दिए थे। 1970 में आई फिल्म जवाब में वो बने थे एक ज़मींदार। उनकी कुछ लैंडमार्क फिल्में हैं आशीर्वाद, सत्यकाम, पूरब और पश्चिम, पाकिजा, मिडली, छोटी सी बात, खूबसूरत वगैरह। से 1990 के दशक में वो कुछ टीवी शोज में भी काम कर चुके हैं। पहला बार टीसोप ओपरा हम लोग में वो एक एंकर के रूप में थे। बहादुर शाह जफर में भी वो नजर आए थे। उनका हिंदी फिल्म के स्क्रीन पर आखिरी अपीयरेंस 1997 में आई फिल्म आँखों में तुम हो, इस फिल्म में था। अशोक कुमार ने न केवल अनुप कुमार, किशोर कुमार इन भाइयों का करियर बनाया, बल्कि बी आर चोपड़ा, ऋषिकेश मुखर्जी, शक्ति सामंत जैसे निर्देशकों के लिए रास्ता बनाया, उन्हें मौके प्रदान किए। दोस्तों, अशोक कुमार को कई एजाज अवार्ड मिल चुके हैं। उनमें उल्लेखनीय है 1999 में भारत सरकार ने उनके योगदान के लिए उनकी सराहना के तौर पर उन्हें दिया था पद्म भूषण का सम्मान। 1988 में उन्हें मिला फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहेब फाल्का। दोस्तों, सबके चहेते दादा मुनि यानी अशोक कुमार अदाकार, फिल्मकार के अलावा एक चित्रकार भी थे। खूबियों भी थी कि वो अच्छे जानकार भी थे। अशोक कुमार ने कई आदर्श प्रस्तुत किए हैं, उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। वो पहले स्टार थे जो हीरो रहे, अधेड़ उम्र के नायक रहे, उम्र दराज ऋषियों जैसे रोल भी उन्होंने निभाए। ये महान अदाकार 10 दिसंबर 2001 में मुंबई में अपने आदर्श नक्श पीछे छोड़ इस दुनिया को अलविदा कह गए। बता दें कि करियर के आखिरी 30 सालों में अशोक कुमार अस्थमा के पीड़ित रहे। इससे पहले वो कभी बीमार नहीं हुए थे। ये बीमारी भी उन्हें 1962 में रिलीज हुई फिल्म राखी की शूटिंग के दौरान मिली थी। ये फिल्म भाई बहन के रिश्ते पर आधारित थी और वहीदा रहमान ने उनकी बहन का रोल किया था। आखिरी सीन में वो मर जाते हैं। तमिल फिल्मों के भीम सिंह इसे डायरेक्ट कर रहे थे। उन्होंने ब्रीफ किया कि क्लाइमेक्स में मरने के सीन में उन्हें कर्कश और खुरदरी आवाज़ में डायलॉग बोलने हैं। इसके लिए ये आइडिया निकाला गया कि अशोक कुमार बर्फ का पानी पिएं और उसके तुरंत बाद संवाद बोलें, लेकिन 25 ग्लास बर्फ का पानी पीने के बाद भी उनकी आवाज़ वैसी ही बनी रही। उन्होंने 2 दिन तक ऐसा किया। तीसरे दिन बुखार हो गया,
चेन्नई में शूट जल्दी पूरा किया गया। इसके बाद वो बेहोश हो गए, अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद अशोक कुमार को सांस की दिक्कत होने लगी, उन्हें अस्थमा हो गया और आखिर वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते, मगर अपने अपने मुकाम पर। कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं, क्या हुए हो दिन।